बातें करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। लॉकडाउन को लेकर लगातार चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा ने ये पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। इन राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन था, या फिर ये कहें पारुल की लॉकडाउन जैसी पाबंदियां थी, क्योंकि लॉकडाउन में जैसा पिछले साल हमने देखा था वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, लॉकडाउन भी है लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, बाजार भी खुले हुए हैं, कुछ चोरी छिपे खोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर तमाम फैक्ट्रीज जो हैं वो खुली हुई हैं, लोग बाग अपने काम पर आ रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो काम पर भी आ रहे हैं, उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, वो परेशान भी हैं और ऐसे पैनिक सिचुएशन में वो अपने आप को इस संक्रमण से भी कहीं ना कहीं ग्रसित होता हुआ महसूस करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तो लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को लेकर या कोरोना से जो भी अपडेट है आप लोगों तक पहुंचाएं। और आज जन की बात में इसलिए हम इस टॉपिक को उठा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ हमारे पास ऐसी आ रही थी कि आप इस पर बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, एक महीना होने वाला है पारुल, और ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं, कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं वीकेंड लॉकडाउन, कहीं संपूर्ण लॉकडाउन, कहीं लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, लेकिन भीड़ भाड़ वही बाजारों में नज़र आ रही है, लोगों के मुंह पर मास्क नज़र नहीं आता है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तमाम दावे वादे वहाँ फेल हो जाते हैं जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। पारुल, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अगर आपको पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगाना है, आधी चीज़ें खोल देनी है, आधी चीज़ें पर देखरेख नहीं करनी है, तो आखिर इस लॉकडाउन का फायदा क्या है? इससे बढ़िया होता कि आप 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाते, कम से कम संक्रमण तो कम होता, ये वेव तो कम होती। आज एक बार फिर से 3,78,000 मामले सामने आए हैं। बिल्कुल काजोल, सही बात आपने कही और सही बात आपने उठाई है कि लॉकडाउन तो इस बार लगा है लेकिन उसकी जो स्थिति है लॉकडाउन जैसी कहीं भी नज़र नहीं आती। देखिए, सबसे पहले काजोल ये जानना ज़रूरी है, देखिए केंद्र सरकार पहले से कहती आ रही है, जब दूसरी वेव देश में आई तो केंद्र सरकार शुरू से ही कह रही है इस बार हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, और राज्यों से भी यही कहा जा रहा था कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प रखिए। और लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था तो तमाम ऐसे व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, बहुत सारे लोग थे, मजदूर हो या तमाम लोग ऐसे थे जो प्रभावित हुए थे इस लॉकडाउन की वजह से। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस बार फैसला लिया था कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और इसीलिए देखिए इस बार राज्य सरकार अपने अपनी मर्जी की पाबंदियां अपने अपने राज्यों में लगा रही है, लेकिन उसके बीच भी देखिए अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में लॉकडाउन तो लगा हुआ है लेकिन उसका असर कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये कह लीजिए सड़कों पर लोग तो हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट बंद हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी ऐसी स्थिति है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह स्थिति ऐसी है, कहा यह जा रहा है लॉकडाउन है लेकिन उसका असर कहीं भी होता हुआ पालन करते हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे। वो इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे बाजार ऐसे हैं जो दुकानें अभी भी बंद हैं लेकिन तब भी लोग सड़कों पर घूमते काजोल नजर आ रहे हैं, चाहे यूपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। और सबसे ज्यादा देखिए अब भी प्रभावित इससे छोटे व्यापारी या दुकानदार ही हो रहे हैं, और जो मजदूर हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देखिए सरकार सबसे पहले यही कह रही थी कि जो लोग हैं चाहे मजदूर हों या छोटे व्यापारी हों वो प्रभावित ना हो, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अब भी काजोल लॉकडाउन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, स्थिति साफ नहीं है कि लॉकडाउन है भी या नहीं है, लोगों के मन में कंफ्यूजन, और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित छोटे लोग ही हो रहे, छोटे व्यापारी हो, दुकानदार हो या फिर मजदूर हो, वही लोग हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा स्टील इंडस्ट्री जो है वो इससे प्रभावित हो रही है क्योंकि देखिए फैक्ट्रीज तो खुली हुई है, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो खुली हुई है, उसमें मजदूर भी जा रहे हैं लेकिन जहां उन फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल जहां से आना होता है वो दुकानें बंद है। ऐसे में फैक्ट्रियों के सामने ये मजबूरी है कि वो अपने कर्मचारियों को, अपने मजदूरों को पैसा दे कैसे, वेतन कहां से दे, सबसे बड़ी समस्या यही है। और इसीलिए सवाल ये उठता है बार बार कि इस बार लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है कैसा, क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया। अभी देखिए बीते दिनों में ईद का त्योहार भी गया, उस समय भी देखें काजोल मार्केटों में भीड़ थी, हालांकि लॉकडाउन है लेकिन भीड़ तब भी लोगों की नजर आ रही थी। और ये तस्वीरें आज से ही नहीं, सिर्फ ईद पर ही नहीं पारुल, और जब से लॉकडाउन या पाबंदियां लगी हैं तब से ही नजर आ रही हैं। जी, आपने स्टील की बात की है कि स्टील उद्योग में जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, इतना महंगाई जो है स्टील उद्योग में वो दिखाई दे रही है, स्टील इतना महंगा हो गया है कि आम जनता जो है वो सोच भी नहीं सकती है इसके खरीदने का, लेकिन इसका प्रोडक्शन चालू है, कच्चा माल लेकिन कहाँ से आए,
वो कंपनी वो फैक्ट्री कंपनियां खुली हुई हैं जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर कच्चा माल पहले से ही थोक में लाया गया है, लेकिन वो दुकानें बंद हैं जहां से ऐसा माल आता है। तो ऐसे में कब तक आप फैक्ट्री चलाएंगे और क्या आप तनख्वाह दे पाएंगे? ऐसे सवाल जो हैं लोगों के सामने खड़े हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपको पेड लीव दी जाएगी या आपको लीव जो है वो दी जाती है, आप मत आइए, हम आपको तनख्वाह पहुंचा देंगे। लेकिन उनसे पूछिए क्या वाकई उनके खातों में तनख्वाह जा रही है? जी नहीं, हकीकत ये कि उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। गलती इसमें फैक्ट्री मालिक की नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक के पास जितना काम था उसने करवा लिया। जब उसके पास कच्चा माल नहीं आ रहा है वो प्रोडक्शन कैसे करेगा? प्रोडक्शन तो तभी होगा जब उसके पास कच्चा माल होगा, उसकी गलती नहीं है। वो तो ऑब्वियस है कि वो अपनी फैक्ट्री को बंद ही करेगा। लेकिन सवाल आता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपने कहा, अभी जिक्र किया कि केंद्र सरकार पहले से ही कहती नजर आ रही है कि जो लॉकडाउन है उसे आखिरी विकल्प समझे। जी, हम संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि कितने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे और उन पर आर्थिक मंदी की मार जरूर पड़ी थी। उसके बाद भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आया था, लेकिन 2021 ने एक बार फिर से पूरी तरह से सारी चीजें जो है वो चौपट कर दी हैं। कहर जो है कोरोना का वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ रही है जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो छोटा छोटा अपना व्यापार करते हैं। क्योंकि अगर किसी ने एक फैक्ट्री खोली हुई है और छोटी सी फैक्ट्री है, छोटा सा उसका कारखाना है, वो काम कर रहा है, उसके साथ दो या चार मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो तो बेरोजगार हो ही रहा है, उसकी फैक्ट्री तो बंद हो ही रही है। साथ ही साथ वो जो चार लोग हैं वो कहाँ से खाएंगे और कमाएंगे? विकल्प उनके पास ये भी नहीं कि दूसरी जगह काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर तो आपने कुछ फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, कुछ फैक्ट्री पर आपने पाबंदी लगा रखी है, कुछ दुकानों पर आपने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन पाबंदी का असर जो है पारुल वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से रोजाना ट्रैवल करती हूँ और मैं आती हूँ नोएडा, दिल्ली में बुरे हालात हैं। केजरीवाल आते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते तो हैं कि बहुत अच्छा लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत क्या है कि टेस्टिंग वहां पर जीरो कर दी गई है, टेस्टिंग कहीं नहीं हो रही है दिल्ली में भी, और इसको लेकर लगातार फटकार दिल्ली सरकार को लगाई जा रही है। इसके अलावा वहां पर जो बड़े मॉल्स हैं, जो शोरूम्स हैं, वो तो बंद हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं इसमें गलती उनकी नहीं है दुकानदारों की, गलती है सरकार की। बिल्कुल, क्योंकि आपने संपूर्ण लॉकडाउन किया होता तो लोग समझ जाते, जब आधी चीजें खुली हुई हैं तो उन्हें भी लगता है, मन में लालच आता है कि हम भी अपनी दुकानें खोलेंगे, चोरी छुपे सामान बेचेंगे, हम भी अपना पेट पालेंगे। समस्या सबके सामने है। आम लोग जो है उनके सामने समस्या ये है कि जरूरत पड़ रही है उन्हें, तो वो भी खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसी चीजें जो है, ऐसी सिचुएशन जो है वो लगातार बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकारों को देखना चाहिए कि वाकई जो आंकड़े अधिकारी दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, हकीकत क्या। देखिए, योगी आदित्यनाथ कई शहरों का दौरा कर चुके हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, इन शहरों का वो दौरा कर चुके हैं। खुद देख रहे हैं कि टेस्टिंग कितनी हो रही है, खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर कोविड के पेशेंट क्या वैक्सीन लगवा, जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उनकी देख रेख कैसी हो रही है, वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है, वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं नहीं लगवा रहे हैं। क्योंकि एक मिथ फैल गया है पारुल, शहरों की तरफ तो आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन गाँव की तरफ आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ता गया है। गाँव के लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन अगर उन्हें लगती है तो उन्हें कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसी चीजें उनके मन में बैठी हुई हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं, खुद जिम्मा उठाया है, लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीन से आपको कुछ नहीं होगा, आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे। तो ये होती है, इसी वजह से WHO तारीफ कर रहा है, योगी जो पूरा सिस्टम रहा है योगी आदित्यनाथ ने, उसकी तारीफ हो रही है। दूसरे राज्यों की तारीफ क्यों नहीं हो रही है जिसमें ज्यादा आंकड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो दिल्ली हो? क्योंकि ये सिर्फ पल्ला झाड़ लेते हैं, हट जाते हैं पीछे कि हमें तो आंकड़े बता दिए गए हैं, हमने टेस्टिंग रोक दी है। भाई, टेस्टिंग रोक दी हमने, अब हमारे पास आंकड़े कम आ रहे हैं। आप टेस्टिंग रोक देंगे तो आंकड़े तो कम दिखाई देंगे ना, लेकिन सिर्फ जनता को खुश करने के लिए राजनीति हर चीज में क्यों? बिल्कुल काजल, और यही वजह है कि मामले हर रोज कम होते नजर आ रहे हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने कोरोना पर बहुत अच्छे तरह से काबू पा लिया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि टेस्टिंग कम कर दी गई है, पूरी जीरो टेस्टिंग कर दी गई है, इसीलिए नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं, संक्रमण जो है वो फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि दिल्ली में मामले जो है कोरोना के वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ये अगर सही में हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत
मुसीबत से इस समय गुजर रहा है। ऐसे में अब जब देखिए लॉकडाउन की काजोल हम बात कर रहे थे, सड़कों पर भीड़ की बात करते हैं, आप ही अभी जिक्र कर रही थी कि बहुत सारी दिल्ली में ऐसी दुकानें खुलती हैं, चोरी छिपे लोग खोल कर सामान देते हुए नजर आते हैं लोगों को, यही वजह है काजोल के सड़कों पर भीड़ भी नजर आती है। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दुकानें खोल कर चोरी छिपे सामान बेचकर अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन काजोल कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो कहीं भी उनके पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं बचा है, कोई ऑप्शन ऐसे हैं जो सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ लोग लापरवाह भी हैं। बिल्कुल लापरवाह भी है, मुनाफा भी कमा रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग बिल्कुल बुरी तरह से इस दूसरी लहर से प्रभावित हैं, वो इसलिए क्योंकि पिछले साल भी वो लोग इस कोरोना में अपनी नौकरी खो बैठे थे, और बहुत सारे लोग इस बार भी अपनी नौकरी जो है कोरोना की वजह से खो बैठे। इसीलिए देखिए सवाल हम आज यही उठा रहे थे कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का असर देश में दिख क्यों नहीं रहा है, देश में तमाम राज्य ऐसे, देखिए बंगाल की अगर आज बात की जाए तो बंगाल में भी 15 दिन का 30 मई तक लॉकडाउन, जो संपूर्ण लॉकडाउन, देखिए संपूर्ण लॉकडाउन का जोर कहा गया था, लेकिन आज की स्थिति, आज की तस्वीर बंगाल में हर किसी ने देखी, ममता बनर्जी खुद धरना प्रदर्शन करने बैठ गई, तो फिर वो लॉकडाउन कहां गया, फिर वो पाबंदियां कहां गई। इसीलिए हमने ये सवाल आज उठाया, जिनकी बात में मुद्दा उठाना बहुत अहम हो गया था कि लॉकडाउन है तो असर क्यों नहीं दिख रहा। हालांकि कोरोना पर जो भी नया अपडेट होगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि राज्य सरकारों से अपील है कि जो हमारे पास सजेशंस आ रहे हैं, जो भी उनके ओपिनियंस हैं लोगों के सोशल मीडिया के जरिए, वो हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं, हम आप लोगों से कह रहे हैं, और लगातार जो अधिकारी हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, उनसे अपील है कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो 10 या 15 दिन का ऐसा लॉकडाउन लगाइए जिसमें जैसा पिछले साल लगा था, और पुलिस की सख्ताई बहुत ज्यादा जरूरी है, दिखना चाहिए। असर दिखना चाहिए, वरना इस तरह से महीने डेढ़ महीने लॉकडाउन बढ़ा बढ़ा के कोई फायदा कोई असर नजर नहीं आ रहा है। खाना पूर्ति अभी की जा रही है काजोल, और इसीलिए देखिए आज ये मुद्दा उठाना बहुत अहम हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन पिछला एक महीना होने वाला है, एक महीने का समय होने वाला है, देश में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन उसका असर कहीं नहीं दिखा। इसीलिए आज हमने ये सवाल उठाया कि लॉकडाउन है तो फिर उसका असर कब दिखेगा, हालांकि आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो या फिर तमाम पाबंदियां हो या कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, ये देखने वाली चीज होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।